शादी क्या है? शादी एक ऐसा पवित्र बंधन जिसमें दो प्यार करने वाले साथ में आके एक दूसरे को चाटते हैं। थोड़ी दूर बैठो, बड़ी सेंसेशंस आ रही है तुम्हें। For those of you that don't know about this, it's a challenge called Lick My Body Challenge. In these, two couples come together and lick each other. I just have one question. What is challenging about this? नहीं, अगर रोड पे वीडियो बनाओ तो समझ में आता है, पर घर पे कैसे चैलेंजिंग हुआ? चैलेंज का मतलब देख लेते हैं हम पहले। Invite someone to engage in a contest. तो ये चैलेंज कैसे हुआ? ये रोज नहीं करते क्या कपल लोग? पहले मुझे लगा कि नहीं, ये सब इंडिया में थोड़ी लोग करते होंगे। करते भी होंगे तो घर पे करते होंगे ना यार, कैमरा के सामने थोड़ी करते होंगे, बिकॉज ऑफ ऑल द कल्चरल बैकग्राउंड यू नो। बट फिर मुझे मिले ये दोनों। फिर से ग्रोस। ये थोड़ी एज रिस्ट्रिक्ट होगा, मेरे वीडियोस होंगे एज रिस्ट्रिक्ट। बच्चे छोटा भीम और चुटकी थोड़ी देख सकते हैं। हाँ ये ठीक है, बच्चों के लिए ये देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बच्चों के लिए ही तो बनाया गया ये सब। क्या है कि बच्चे क्या मिट्टी चाटते रहते हैं, तो अब थोड़ी लॉन्डिया चाट लेंगे। बेस्ट एजुकेशनल वीडियो। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद कपल्स, बट इट जस्ट लुक्स वियर्ड। रॉक पेपर सिजर्स, रॉक पेपर सिजर्स, रॉक पेपर सिजर्स। क्या कर रही हो? रॉक पेपर सिजर्स। जरूरत क्या थी इसकी चाटने के लिए? रॉक पेपर सीजर। तू पहले चाट या मैं चाटू, मेरी विन है। एंड ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड, सो आई हैव नो आइडिया हाउ फार यू हैव टू गो फॉर अ रिलेशनशिप। कि जैसे क्यूटी मीटर को मैंने उस दिन बताया था कि ये मिठाई जैसी है, तो मैं इसको ऐसे लिक करूंगा। वैसे देखा जाए तो सिंगल रहना भी कुछ बुरा नहीं है। फिंगर रॉन्ग, नकल, फिंगर नकल, फिंगर सेम थिंग। नहीं नहीं, तो फिंगर तो दूसरा होता है, नकल फिंगर का दूसरा हुआ। ऐसे तो अलग अलग पॉइंट हो गए। फिंगर नकल, फिंगर राइट, नहीं फिंगर राइट नहीं है। नहीं फिंगर कैसे हुआ? फिंगर थोड़ी थी, नकल था। नकल होता है ना फिंगर पे, वो था, नकल था, फिंगर थोड़ी थी। हाँ वो बात अलग है कि नकल फिंगर पे ही होता है, बट इतना दिमाग किस में ही है? हम दोनों में तो नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम यू विल लिक मी प्रॉपरली, ओके? एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई ही गो स्पेसिफिकली विद द मिडिल फिंगर। लाइक यू हैव फाइव फिंगर्स, एनी ऑफ दोस कुड हैव वर्क्ड, दे ऑल हैव नकल्स। और इनके और भी बहुत अच्छे वीडियोज हैं, लाइक वन ह्यूज फाइट कॉट ऑन कैमरा। नो थैंक्स। अब नेक्स्ट आते हैं पारस ठकराल व्लॉग्स। ये मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं क्योंकि आई डोंट थिंक इनसे ज्यादा कोई मेहनत करता है। इनके इस वीडियो का टाइटल है शादी के बाद घर आए किन्नर। शादी हो गई यार, अब मैं थक गया बहुत। हाँ किन्नर आए हैं, कैमरा लाना जरा। करो करो करो, हाँ हाँ करो 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 करो। और जैसे मैं उठा हूँ तो पता चला कि किन्नर आए हुए हैं, जो आते हैं हर किसी की शादी पे आई थिंक। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ किन्नर आए हैं, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, जस्ट इन केस यू डोंट नो हु किन्नर्स आर। टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट। चलो किन्नर लोग चले गए, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। कौन? अच्छा हाँ सुहागरात बची है। फक, मैं भूल कैसे गया। शर्म आ रही है सुहागरात के लिए। चलो कैमरा लेके चला जाता हूँ, जस्ट इन केस किसी को पता नहीं हो कि सुहागरात में क्या होता है। तो टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट। एंड पता है मैं इनके व्लॉग से काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की है। Hey guys, welcome back to our channel, Parash Agarwal Vlogs. So, hey guys and welcome back to Tarun Vlogs. आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पानी। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा हमारा पानी दिखता है। अगर आप इसके नीचे अपना हाथ रख दें तो आपका हाथ गीला हो जाता है, इसलिए इस वीडियो का टाइटल होगा सब कुछ गीला गीला हो गया। तो अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि सब कुछ कहां तक गीला हुआ। तो जानने के लिए देखते रहिए गीला हुआ हाथ, साथिया ने माना साथ। टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट। एंड ऐसे वीडियो देखता कौन है? पूरा फैमिलियर कंटेंट होता है, कुछ भी इसके अंदर गलत या गंदा नहीं होता है। तो आप इसको शेयर कर सकते हो जितना चाहो उतना, कुछ भी गलत देखने को नहीं मिलेगा। तो दबा के शेयर किया करो। बेटा ये क्या शेयर किया तूने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में? शादी की पहली रात, आजकल बच्चे करते ही क्यों हैं लोग? एंड पता है ये शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले ये ट्रेंडिंग में था, और डिसलाइक्स देख के लगता है लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए ये लोग। इनका एक और चैनल भी है, इसका भी एक वीडियो देखा मैंने, बेगर वर्सेस सिक्स पैक एब्स बॉय।
social experiment. So in this social experiment, he gave the beggar a sign that says, I need money for food. And on the other side, he stand naked showing off his abs. That's the only thing to do when you somehow manage to get abs. And then he started begging for protein. Ab kaun hi bewakoof karega aisa donate? कौन है ये बच्चा? किसका बच्चा है ये? तभी तो इंडिया में गवर्नमेंट ने 20 हफ्ते तक अबॉर्शन लीगल करके रख दिया है। So the end result was no one donated this beggar, but a lot of dumb fuckers donated this ab guy. Now the question is why? क्योंकि ये इंडिया है। अगर तू किसी बेगर को इंग्लिश में साइन पकड़ा देगा तो कौन करेगा बे डोनेट? एंड यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये सब लड़कों की हेयर स्टाइल सेम क्यों है? ये बाइलेटरल सिमेट्री वाली हेयर स्टाइल क्यों लगा रखी है सबने? Why not no hairstyle at all? ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? Anyway, that's all for today's video. Thank you for watching.